और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना दोस्तों। आज के टेक न्यूज हैशटैग 34 वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। लगता है ये पागल हो गया। दोस्तों बहुत सारा प्यार ले लीजिए आज भी आप मेरी तरफ से, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मतलब साल के पहले दिन ही आपको प्यार देते हैं। मेरी तरफ से ना आपको, मतलब जितने दिन मैं इधर हूं हर एक दिन आपको सेम प्यार मिलेगा। ओ ठुल्लू बाबा जी, आपका हो गया तो वीडियो स्टार्ट करें। हाँ हाँ वत्स, क्यों नहीं। हाँ? तेरी वत्स की तो आज वस्त्र हरण करेंगे। ये ले, ये ले। लगा यार। ओके तो दोस्तों आज की पहली टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है गेमर्स लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली मैं प्ले स्टेशन तक तो नहीं पहुंचा, मतलब मैं गरीब हूँ, समझ सकते होंगे, गरीब फैमिली से हूँ थोड़ा सा। तो जो भी दोस्तों, अगर आप प्ले स्टेशन खेलना पसंद करते हैं तो दोस्तों आपके लिए आ चुका है गुड न्यूज। जी बिल्कुल दोस्तों, इसको प्ले स्टेशन 5 बोलिए या फिर PS5 कुछ भी बोलिए, इसको सोनी लॉन्च करने वाला है अपने इंडिया में 2 दिसंबर को, और इसका जो प्री ऑर्डर होने वाला है वो स्टार्ट होएगा 12 जनवरी से। अभी कहां और कैसे ऑर्डर करना है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा, ठीक है। तो भैया गेमर्स लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला न्यूज है कि नहीं। मुझे भी चाहिए PS5। दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 वाला एक एक्सक्लूसिव प्रोसेसर, अभी उसी का एक छोटा सा हायर वेरिएंट कहा जाने के लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। और अभी डिजिटल चैट स्टेशन भैया के अनुसार आपको जो स्नैपड्रैगन का 888 प्लस वाला थोड़ा सा अपर वेरिएंट एक प्रोसेसर आता है हर एक के साथ में आता है, वैसा ही यहां पर भी कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 प्लस वाला एक प्रोसेसर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। दोस्त अगर आप, बिल्कुल हाँ आप अगर किसी Xiaomi के नए स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे थे तो आपका वेट इज ओवर। इंग्लिश प्लस हिंदी, इसको मतलब क्या इंग्लिश बोलते हैं क्या मतलब? तो कहने का मतलब ये है दोस्त, मतलब Mi 10i के नाम से बहुत ही जल्दी Redmi की तरफ से एक स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपने इंडिया में, और ये Amazon के ऊपर लिस्ट हो चुका है। अच्छा इसका प्रोसेसर ना रिवील्ड हो चुका है, स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी पता ही था मेरे को यही प्रोसेसर देंगे, क्योंकि वही नोट 9 प्रो 5G वाला वेरिएंट का ही तो रीब्रांड करके भेज रहे हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कल क्या हुआ, मतलब Amazon ने खुद ही के वेबसाइट के ऊपर अपना ही एक स्मार्ट, नहीं सॉरी एक नहीं दो स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है। बेसिकली वो फायर टीवी एडिशन वाला स्मार्ट टीवीज है, एक 50 इंच का है एक 55 इंच का है, और काफी धमाकेदार प्राइस पॉइंट के साथ टीवीज लॉन्च किया गया है। और मतलब प्राइस कम है इसका मतलब स्पेसिफिकेशन कमजोर होगा, वैसा नहीं है, दोनों के दोनों टीवी ही आपको 4K में मिलेगा। इसी के साथ आपको Dolby Vision, Dolby Atmos एंड 20 वॉट का क्या बोलते उसको स्पीकर्स भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छे प्राइस रेंज के साथ बड़ा 4K Dolby साउंड के साथ टीवी चाहिए था तो समय आ चुका है टीवी लेने का। दोस्तों पोको F2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब क्या लगता है आपको आएगा नहीं आएगा? मतलब अब तक जितने भी लीक्स वगैरह आ रहे थे उनमें से कहीं पे मुझे लग रहा था कि हाँ आएगा, कहीं पे लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ा घुमा के ही सही, लेकिन पोको इंडिया ने ऑफिशियल ट्वीट कर दिया है। बिल्कुल कैसे दोस्तों, यहां पे पोको ने मतलब उनका 2020 का जितने भी अचीवमेंट वगैरह है वो लोग ट्वीट करके बता रहे थे, और उसी के लास्ट में जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर पोको F2 लिख के ये लोग एंड किया है। इसका क्या मतलब है, मतलब थोड़ा घुमा के ही सही, लेकिन पोको F2 के बारे में ये लोग ऑफिशियली टीज कर रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि पोको F2 इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। वैसे दोस्तों रियलमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, नहीं मतलब रियलमी के 8 सीरीज कुछ दिन पहले आने वाला था, एक 7 सीरीज आने वाला था, कोई आने वाला था, रेस आने वाला था, कोई नहीं आया, लेकिन अभी गिगबेंच के ऊपर ना RMX 3092 करके एक मॉडल नंबर है जो कि लिस्ट हुआ है, और इसके अंदर 65 वॉट वाला सुपर डार्ट चार्जर और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 वाला प्रोसेसर यहां पे शो किया जा रहा है। और इसके बाद मुझे जहां तक लगता है कि दोस्त ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये शायद Realme 8 हो सकता है। वैसे आपको यहां पे बता दूं, यहां पर सिर्फ 8 एक स्मार्टफोन नहीं आएगा, 8 के साथ 8 Lite नाम से भी एक स्मार्टफोन आने वाला है, मतलब उड़ता हुआ लीक्स है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको अभी देखते। वैसे Realme के साथ ही और एक न्यूज जुड़ के आ चुका है दोस्तों, Realme का जो कोई है, जी हाँ दोस्तों मछली नहीं, ये बेसिकली Realme का एक स्मार्टफोन का कोड नेम है।
तो वही स्मार्टफोन का ना एक बॉक्स का एक रेंडर निकल के आ चुका है। अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है, बस एक फोटो आया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों आज के लास्ट टेक न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को मार दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिए उनको कि दुनिया में वायरस के अलावा भी और भी बहुत कुछ हो रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो जो लाल कलर का बटन है उसको एक मारिए जोरदार घुमा, उससे उसका कलर भी चेंज होता है। ओके, तो आज की लास्ट खबर की बात करें तो वो आता है शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी का मी 11 लॉन्च हुआ अभी अभी, कहा जा रहा है कि मी 11 प्रो भी बहुत ही जल्दी हमको देखने के लिए मिलेगा और इसके एक लीक्ड रेंडर भी हमको मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस दोस्तों यही तक था आज का टेक न्यूज। वैसे टेक न्यूज कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही नहीं है, पहले बता चुका हूँ, चलता हूँ।